हम लोग तो अब ठान के बैठे हैं कि जो अब हमारा काम करेंगे हम उसी के साथ रहेंगे, उसी को वोट देंगे बस। यहाँ पर किसी ने, किसी मेंबर ने, किसी विधायक ने, किसी एमएलए ने आज तक एक घमेला रेती मट्टी या गिट्टी नहीं डलवाया। तो कौन सा इलाका है ये सर? ये माजरी है सर, ये बिलगांव रोड आता है, इस पे आखिरी स्टाप है ये आरके लाउड। अच्छा। हाँ, इसका नाम है आरके लाउड, माजरी रोड पे अपन खड़े है। अच्छा। हाँ, और ये रोड माजरी का आता है, ये बिलगांव रोड पे इसको नाम देते हैं, ये इसके अंदर लिखा हुआ है पूरा। हाँ। अच्छा। तो कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? ये मैं रह रहा हूँ 8 साल से। तो 8 साल से ये जो रोड की अवस्था है ये ऐसी दिखने को मिली है क्या? कुछ सुधार भी आया है? नहीं नहीं भाई, कुछ भी नहीं सुधारा हुआ है। तो आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे यहाँ 17 साल हो गया सर, 2007 से रह रहा हूँ। अच्छा। और ये जो रस्ते और जो सीवर लाइन की जो हालत है ये तब से वैसे ही है? ये तब से वैसी है। यहाँ पर किसी ने, किसी मेंबर ने, किसी विधायक ने, किसी एमएलए ने आज तक एक घमेला रेती मट्टी या गिट्टी नहीं डलवाया। ये उसके पेपर है, हम नितिन राउत जबकि यहाँ का आमदार है, नितिन गडकरी यहाँ के सांसद है, 10 साल से हम उनका काम भी करे, उनको वोट भी दिए, नितिन राउत को भी दिए, लेकिन उन्होंने कभी कुछ, नितिन राउत को हमने 3 बार यहाँ खुद बुलाया इस जगह पर, उनने सारे हालात देखा, 4 बार हम उसके घर पे गए 200-200 लोगों को जमा करके लेके, लेकिन उसने हमारे किसी भी बात पे एक्शन नहीं लिया। और आखिरी में उसने ये बोल दिया कि भाई कौन सी माजरी है, क्या है, बोले मैं किसी माजरी को नहीं पहचानता, जानता नहीं। आज ये देख लिया हालत यहाँ पे, पूरे घुटने घुटने तक का पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं रास्ते में गिर पड़ जाते हैं, किसी इमरजेंसी मामले में को अगर किसी गाड़ी से ले जाना है तो गाड़ी निकाल नहीं सकते, इतनी बुरी हाल रहती है बारिश में। सुन, तो छोटे बच्चे भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि खेलते हैं क्रिकेट वगैरह, जैसे हम यहाँ वहाँ से आए यहाँ जी, तो ये छोटे बच्चे भी खेल रहे थे, कुछ बच्चों को दिखा दो, मतलब किस एज ग्रुप के है? तो बीमारियाँ बहुत है ना सर, बहुत बीमारी होती है, गंदगी से बीमार है, बहुत बीमारी फैल रही है यहाँ जगह जगह, देखिए मच्छर, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मच्छर अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा इतने मच्छर रहेंगे कि आप यहाँ खड़े नहीं रह सकते, हम बैठ नहीं सकते, अपने घरों में पंखे कूलर चालू रखने के बाद में भी मच्छर से बच नहीं रहा आदमी, बीमार बीमार बच्चे, घरों घर बीमारी है। हम आ गए 13 साल हो गया हमारे को, 13 से 14 साल आया, आप देख सकते हैं रास्ता 2-व्हीलर 4-व्हीलर कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ से, जो परेशानी में हम लोग इतने साल से यहाँ रहते हैं, कोई दूसरा रहता तो छोड़ के चले आता, हमारे कने नितिन राउत साहब कने आमदार खासदार सब नगर सेवक तो कभी यहाँ पे जाकर भी नहीं है, यहाँ पे कभी नगर सेवक जाकर नहीं है, मेरे कने एप्लीकेशन है नितिन राउत साहब कन की, बस वो हमारे को आश्वासन देते जा रहे हैं कि तुम्हारा काम अगले फंड में हो जाएगा, ये फंड हो जाएगा, हमारे सामने 2 फंड उनका जा चुका है, फिर भी हमारे एरिया का कुछ भी विकास नहीं हुआ, आप देख सकते किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ये तो मेन रोड है फिलहाल में 80 फीट का रोड है, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है 30 फीट का, ये मेन रोड है, मेन रोड बेलगाम में वो दिया सामने वाला 80 फीट वाला, ये 30 फीट का रोड है, अभी 30 फीट के रोड में 2 बाइक की गाड़ी नहीं बराबर आ सकती, साइकिल वाला बराबर साइकिल पैदल लेके नहीं आ सकता, ये पोजीशन में हम लोग रह रहे हैं। नितिन गडकरी यहाँ के खासदार रह चुके हैं, नितिन राउत अभी 5 साल से, अभी उसके पहले इलेक्शन हार चुके थे, अभी 5 साल से वो यहाँ के विधायक है, उनके पास हम 3 बार गए, 3 बार उनको यहाँ बुलाया गया, इसी पोजीशन में इसी मौसम में बुलाया गया था, अपने कानों आंखों से देखे, कानों से सुने सारे लोगों की फरियाद, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर जब भी जाते थे हम, बस ये महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा, ये महीने में हो जाएगा, वो महीने में हो जाएगा। महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर जिथून देवेंद्र फडणवीस पहले चीफ मिनिस्टर होते, आता डेप्युटी चीफ मिनिस्टर है, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर जिथले खासदार है, एमएलए नितिन राउत हा एरिया ज्यांच्या क्षेत्रात येतो, बीजेपी काँग्रेस चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री गार्डियन मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी, त्यानंतर एनसीपीचे अजित पवार सुद्धा डेप्युटी चीफ मिनिस्टर असूनही कोणत्या पार्टीला वोट द्यायचा अशी परिस्थिती पाहून तुम्हीच हे एक अनुमान लावू शकता कि कोणत्या पार्टीने इथे काहीच काम केलेलं नाही। माननीय नितिन गडकरी जी, शिंदे जी, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतने सालों से रह रहे इस रास्ते पे, ना हमको गटर लाइन का कोई प्रोग्राम है, ना रोड का है, बहुत तकलीफ़ से हमारी ज़िंदगी कट रही है, हमारे लोग देख लीजिए कैसे रहते हैं, आप लोग से निवेदन है कि जल्द से जल्द जो हमारे ये प्रॉब्लम को सलूशन करे, और हम लोग तो अब ठान के बैठे हैं कि जो अब हमारा काम करेंगे हम उसी के साथ रहेंगे, उसी को वोट देंगे बस।